हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लार्वल फॉर्म्स ऑफ मोलस्का। तो मोलस्का के एनिमल्स के मुख्य रूप से निम्न लार्वल अवस्थाएँ पाई जाती हैं। दोस्तों, जो मोलस्का होते हैं उसमें तीन प्रकार की जो है लार्वल अवस्थाएँ पाई जाती हैं। पहला जो है ट्रोकोफोर लार्वा, ये लार्वल अवस्था काइटिन, डेंटेलियम आदि एस्केपोड में पाई जाती है। इन एनिमल्स की भ्रूणी अवस्था में ब्लास्टोपोर एम्ब्रियो के अग्रभाग में स्थित है। अग्रभाग में स्थित होता है, जिसकी एक्टोडर्म अंतर्वलयित होकर मुख का निर्माण करती है। अग्रभाग में सीलिया का गुच्छा पाया जाता है, जिसे एपिकल टफ्ट कहते हैं। इसके नीचे उपस्थित गोलाकार सीलिया की पट्टी को वेलम कहते हैं। सीलिया की दो पट्टियां माउथ के आगे स्थित होती हैं। एम्ब्रियो की इस फेज को ट्रोकोफोर स्टेज कहते हैं। अग्रभाग की भांति भ्रूण के पश्च भाग में एनस का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोक्टोडियम द्वारा निर्मित होता है। ट्रोकोफोर लार्वा में प्रेजेंट एक्टोडर्म माउथ के पीछे पीडल ग्लैंड का निर्माण करती है। स्वच्छ रूप से तैरने के उपरांत सीलिया की मोलस्का एनिमल में ट्रोकोफोर लार्वा एवं अन्य लार्वल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वेलिजर लार्वा कहते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रोकोफोर लार्वा का डायग्राम देखते हैं। ये टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका माउथ है और ये इसके आई वाला पार्ट है। ये इसका यहाँ पे इसोफेगस है। ये एपिकल प्लेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं और एपिकल टफ्ट ऑफ सीलियस, ये आप ये देख रहे हैं, ये सीलिया हैं। ये ब्लास्टोसोल है लार्वल, ये हो है मसल्स हैं। प्री ओरल सिलिएटेड बैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बने हुए हैं, और ये पूरा स्टमक है। ये पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड है, ये इंटेस्टाइन है, और ये यहाँ पे एनस है। तो हम दोस्तों इसका दूसरा लार्वा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरा नंबर का जो लार्वा है दोस्तों वो है वेलिजर लार्वा। प्लेक्टोनिक लार्वा है, जो अनेक टाइप के समुद्री एवं स्वच्छ जलीय घोंघों में पाया जाता है। यह सेल बाइवेल्व मोलस्का में पाया जाता है। यह गैस्ट्रोपोड तथा वाइवेल्व का महत्वपूर्ण लार्वा है। यह ट्रोकोफोर लार्वा के बनने से भी संबंधित है। बाइवेल्व में वेलिगर को कभी कभी डी स्टेज आरंभिक चरण में तथा पेडी वेलिगर अंतिम चरण में भी कहा जाता है। इनके जीवन चक्र का चरण स्वतंत्र जीवी होते हैं। वेलिगर जो है लार्वा में एक सेल भी होता है। यह ट्रोकोफोर लार्वा से बनता है तथा इसके पास बड़ सिलिएटेड लोब या विलम रहता है। विलम का यूज तैरने, भोजन करने तथा गैस विनियम में होता है। वेलिगर चरण के दौरान मोलस्क में फूट तथा सेल का भी विकास होता है। कई प्राणियों के जीवन काल में लार्वा फेज पाई जाती है, जो कि स्ट्रक्चर व क्रियात्मक रूप से वयस्क से भिन्न होती है। लार्वल फेज महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एनिमल के बृहद वितरण के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे वेलिगर अवस्था जो है समाप्त होती है, लार्वा धीरे धीरे तले की ओर बढ़ता जाता है तथा निष्क्रिय होकर कायंत्रित होने के पश्चात
ट्रोकोफोर लार्वा में वेलिगर लार्वा फेस से होती हुई एडल्ट फेस से चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलिगर लार्वा का यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलिगर लार्वा का डायग्राम। फेलिक टफ्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये माउथ पार्ट है इसका। हम यहाँ पे अब बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे ग्लोचिडियम लार्वा, तो यूनियो इत्यादि में ग्लोचिडिया लार्वा प्रेजेंट होती है जो कि एम्ब्रियो की गैस्ट्रुला अवस्था के पश्चात निर्मित होती है। ग्लोचिडियम का जो यहाँ पे तात्पर्य पॉइंट ऑफ एन एरो से होता है। इसके कवच में त्रिभुजाकार वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि पृष्ठ तल पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं व आधार तल पर इंडिपेंडेंट होते हैं। आधार तल पर हुक व कंटिकाएँ उपस्थित होती हैं, कंटिकाएँ जो यहाँ पे उपस्थित होती हैं। अधिकतर सीपों जो है ये कंटिकाएँ जो होती हैं अधिकतर सीपों में एब्सेंट होती हैं। कवच शरीर को ढके होते हैं व बॉडी मेंटल लोब का व बॉडी प्रॉपर में विभाजित होता है जिनके किनारों पर सेंसरी ऑर्गन्स ब्रश के रूप में पाए जाते हैं। लार्वा के वाल्व में एक मजबूत जो है एडक्टर पेशी होती है जो अनुप्रस्थ रूप से दोनों वाल्व को जोड़ती है। इस पेशी के संकुचित होने से व शिथिल होने से वाल्व का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है। पाद विकसित नहीं होते किंतु बॉडी में मध्य अधर तल पर ग्रंथिल थैले सदृश संरचना लंबे चिपचिपे धागे का स्रावण करती है जिससे प्रोविजनल वाइसस कहते हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर युक्त ग्लोचिडिया काफ़ी अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं तथा सीप के एक एक्स जो होते हैं लैंड साइफन द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये लार्वा मछलियों में बाह परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करती रहती हैं। हम इसके डायग्राम की बात करें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनियो में आपको देखते हैं यहाँ पे ग्लोचिडियम लार्वा, यहाँ पे आप देखते हैं बाइसूस ये हुक है, सेंसरी यहाँ पे आप देखते हैं विसल्स है, यहाँ पे ये मेंटल है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल वॉल्व है, ये एडक्टर मसल्स है। तथा लगभग 10 सप्ताह उपरांत मेटामॉर्फोसिस होकर वयस्क सीप में परिवर्तित हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस के समय संवेदी अंग तथा प्रोविजनल वाइसस जैसी संरचनाएं समाप्त हो जाती हैं। ग्लोचिडियम लार्वा लिखा हुआ है, ग्लोचिडियम लार्वा है, आप यहाँ पे इसको सुधार कर लीजिएगा ग्लोचिडियम लार्वा।